प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसके 7 पद से परमेश्वर की योजना को समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर ने हमें इस धरती में किस मकसद से भेजा है। हमें इस वचन को पढ़ने में बहन मदद करेगी और हम उसको बड़े धीरे से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। That means we are called to be a holy life, to live a holy life। कहने का मतलब यह है कि हमको परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घरों में, घर में पंखे होते हैं। ये पंखे को परमेश्वर इसीलिए बनाया है कि ये पंखे से हमको हवा मिले, है ना। इसका मकसद है हवा देना। ऐसे ही परमेश्वर ने हमको धरती में इसीलिए पैदा किया है कि हम एक पवित्र जीवन जिएं। और इस वचन को हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर सीधा एक बात हमको यहाँ सिखा रहे हैं, वो ये है कि हमको कौन सा जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं बाइबल की शुरुआत से हम परमेश्वर के संतों को देखते हैं। नूह जो है सबसे पुराना प्रभु का दास जो पुराने नियम में पाए जाते हैं, और हम उनको देखते हैं कि वो एकदम खराई सच्चाई से उस जमाने में खराई और सच्चाई से चलने वाला प्रभु का दास था। पवित्र जीवन जीता था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था, दुआ प्रार्थना में और अपने परिवार के साथ में निरंतर प्रभु को बलि चढ़ा के परमेश्वर को प्रसन्न करता था। कुछ इसी प्रकार आज भी हम सबको एक चीज़ याद रखना है अपने जीवन में कि हम किसी मकसद से बुलाए गए हैं, किसी दर्शन से, किसी लक्ष्य से बुलाए गए हैं। यदि हमने उस दर्शन को पूरा नहीं किया तो हमारे जीवन का कोई मकसद और लक्ष्य नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जानना जरूरी है, और यहाँ पे हमने साफ देखा कि परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। यहाँ पे तिसलोनी की किताब 4 अध्याय उसके 7 पद में हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसके 9 पद में हम इसमें देखते हैं। बहन हमारी पढ़ने में मदद करेगी। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और सबसे बड़ी बात, नूह खरा था। नूह क्या था? खरा था। तो कुछ इसी प्रकार परमेश्वर हमको चाहता है कि उसके बच्चे, जो हम उसकी संतान है, परमेश्वर हमारा पिता है, है ना। तो हमको एक चीज याद रखना है, हमको खराई और सच्चाई से जब हम चलते हैं तो हमारा पिता हमको पसंद करता है। नूह को परमेश्वर पसंद करता था, इसीलिए पूरे लोगों को जल प्रलय से नाश किया परमेश्वर ने, और नूह को और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया। आप सब स्टोरी जानते हैं मेरे प्रियो। आज भी ऐसा ही समय है, आज भी लोग पाप में डूबे हुए हैं, आज भी लोग गलत काम कर रहे हैं और जो है गलत बातों में फंसे हुए हैं, लेकिन अभी भी खरे लोग पाए जाते हैं जिनको परमेश्वर देखता है। स्वर्ग से उसकी नज़र उन लोगों को ढूंढते रहती है जो लोग खराई, सच्चाई और ईमानदारी से चलते हैं, जिनके जीवन में सच्चाई है। दे आर नॉट हिपोक्रेट। वो संसार को फॉलो नहीं करते परंतु वो परमेश्वर को फॉलो करते हैं। नूह जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, ऐसा लिखा है लास्ट में। आमेन। तो हमको इससे ये सीखने मिलता है कि परमेश्वर जो है चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलें, जैसा बाप वैसा बेटा। तो हमको ये चीज़ सीखना है अपने जीवन में कि हमारा पिता जिसने हमको बनाया, हमारा क्रिएटर, हमारा परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, वो हमसे क्या अपेक्षा करता है। ही विल नेवर स्पीक टू यू, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमको समझने की कोशिश करना है कि हमको परमेश्वर ने किस मकसद से इस धरती में भेजा है। मेरे प्रियो, ये वचन है। हम देखते हैं फिर अय्यूब के जीवन में। चलिए हम देखते हैं अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद हम देखते हैं। बहन पढ़ने में मदद करेगी। क्या बोलता है अय्यूब यहाँ पे? यहोवा ने सैतान से पूछा, हाँ? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्या किया? ध्यान दिया? बाप रे। फिर? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर की नजर अय्यूब पर थी। वो साफ परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है। आज हम में से कौन ऐसे लोग हैं जिनकी गवाही परमेश्वर दे रहा है? आज बहुत सारे लोग हैं, है ना। परमेश्वर बोलता है खराई से चलने वालों को। फिर से उस वचन को हम एक बार और सुनेंगे, मतलब उसमें इतना पावर लग रहा है। देखिए आप ध्यान से सुनिए सब लोग। यहोवा ने शैतान से पूछा। शैतान से, जो आज हमारे जवानों के कैरेक्टर को, हमारी कलीसिया के कैरेक्टर को नाश करता है,
वो शैतान से पूछा, इसका मतलब परमेश्वर जानबूझ के अय्यूब को शैतान के हाथ में, परमेश्वर ने, आप जानते हैं सब अय्यूब की स्टोरी, ये शैतान के हाथ में सौंप दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ पढ़िए, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा, क्योंकि उसके तुल्य खरा। पहला पॉइंट, इसका मतलब हमने नूह के जमाने से भी, नूह के स्टोरी से भी सीखा, और अभी हम सीख रहे हैं ये अय्यूब की कहानी से भी कि क्या होना चाहिए हमारे अंदर, खराई। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के तारीख में हमारे जीवन में होना चाहिए। एक सजेशन हम देंगे, यदि आपको इस धरती में जीना है तो खराई से जीना है। किसी के साथ समझौता नहीं करना है। परमेश्वर का समय परमेश्वर को, परमेश्वर का टाइम परमेश्वर को, आपको उसके लिए ईमानदार रहना है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, और सीधा मतलब आड़ी टेढ़ी चाल अपने को बंद करना है, आड़ा टेढ़ा नहीं चलना है मेरे प्रियो। परमेश्वर बिल्कुल ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो इधर उधर की बात करते हैं, घुमाते हैं, इधर फुराते हैं और चक्कर लगा के गलत रास्तों में जाते रहते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। सीधी, हाँ कि हाँ और ना कि ना। हम गलत नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, हम सही रास्ते में चलेंगे मतलब चलेंगे, हम प्रभु का काम करेंगे मतलब करेंगे। कोई साथ है या नहीं है, मेजॉरिटी कहाँ है हमको नहीं मालूम है, हमको नहीं फॉलो करना है मेजॉरिटी को। ज़्यादातर बाइबल में साफ लिखा है, बड़ा चौड़ा मार्ग जो है अंधकार नरक को ले जाता है, और सकरा मार्ग जो है स्वर्ग को ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खराई से चल रहे हैं, उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। मेरे प्रियो, आपकी गिनती कायम है, आपको ये याद रखना है और आपको ये सोच विचार करना है कि मेरी गिनती कायम है। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करेंगे। बहुत हम आपको चाबी दे रहे हैं, ये आपके जीवन में परमेश्वर के फेवर को लाएगा, ये आपके जीवन में परमेश्वर के हाथ को लाएगा, फिर परमेश्वर आपकी गवाही देगा। अरे जब परमेश्वर आपकी गवाही देगा तो धरती में कौन है जो आपको इससे बड़ी डिग्री दे सकता है? धरती का कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई आपको इतनी बड़ी डिग्री नहीं दे सकता, सिर्फ परमेश्वर को छोड़ के। अय्यूब को परमेश्वर ने धरती में सबसे खरा व्यक्ति बोला, और मेरे प्रियो आज भी उसके दिल में है कि वो देखना चाहता है कौन है खरा अय्यूब के समान। मेरे प्रियो, हम सबके लिए चैलेंज है, जल्दी से हम एक और पद पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका एक अध्याय, उसका दो पद, जल्दी से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर और उस कलीसिया के नाम, हाँ, जो कुरिन्थियों में है, यहाँ पौलुस बता रहा है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र होने के लिए क्या किए गए हैं, बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो, हाँ, हर जगह हमारे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम, हाँ, की प्रार्थना करते हैं। हाँ, आमीन। तो हम काहे के लिए बुलाए गए हैं, वापस हम अपने पॉइंट में आ जाते हैं, हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। यू शुड नो यू आर कॉल्ड टू लिव अ होली लाइफ, यू आर कॉल्ड, आप बुलाए गए हैं कि आप खरा जीवन जिए मेरे प्रियो। Not to show people, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु को दिखाने के लिए, क्योंकि प्रभु खरे लोगों को पसंद करता है। और खराई वो जगह है जहां आप कभी भी किसी भी संसारिक बातों से समझौता नहीं करते। आप बोलते हैं, प्रभु नॉट माई विल बी डन बट योर विल बी डन। प्रभु हो सके मुझे कितना भी दुख उठाना पड़े, परंतु मैं सच्चाई के मार्ग में चलूँगा, सच्चाई के रास्ते में चलूँगा। आज हमारे पास समय है, हमारे जीवन में हमको चुनाव करना है। दो रास्ते हैं, एक आराम से चलने वाला जीवन, और एक है दुख उठा के प्रभु के क्रूस को उठा के चलना। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको खूब आशीष दे, और भी हम ऐसी अच्छी अच्छी बातों को आपके बीच में लाते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में खराई और सच्चाई देखना चाहता है, जिस मकसद से उसने हमें बनाया है, उस मकसद को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आँखों को हम बंद करें। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमें शक्ति दें कि हम खराई, सच्चाई और ईमानदारी से चल सकें, आपके बताए हुए रास्ते में चल सकें। आपका सत्य का आत्मा हमें अगुवाई करे, ताकि हम निरंतर प्रभु अपने जीवन में अय्यूब के समान, नूह के समान, प्रभु आपके संत और भक्तों के समान, प्रभु हम निरंतर खराई और सच्चाई और ईमानदारी से चलने पाए। पिता, समझौता का जीवन, संसार के साथ में समझौता का जीवन नहीं, परंतु निरंतर आपके क्रूस को उठा के आगे और आगे बढ़ते जाने पाए। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए। हे परमेश्वर पिता, हमें शक्ति दें कि हम निरंतर प्रभु आपके कार्यों को कर सकें, और आपको खुश करने वाला जीवन जी सकें। पिता, आज हम में से बहुत सारे लोग प्रभु ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे हम आपको दुखी कर देते हैं, आपको निराश कर देते हैं।
देते हैं, परंतु आज की शाम पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए। पिता हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, जैसे अय्यूब ने प्रभु अपने जीवन में दुख तकलीफ आने के बाद भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया। उसने पैसे धन दौलत और मान सम्मान इज्जत परिवार सब कुछ दांव में लगाते हुए सिर्फ एक ही बात बोला, मेरा परमेश्वर भला है। प्रभु हमें शक्ति दें कि हम भी निरंतर प्रभु खराई सच्चाई और ईमानदारी से अपने जीवन को जीने पाएं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। प्रभु आप सबको खूब आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह।